नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी मैं हूं चाँदपुर चौराहे पे, जिसको कलेक्ट्री फिल्म चौराहा भी बोलते हैं, और यहां से आज हम चलने वाले हैं मड़ुआडी मार्केट आपको दिखाने वाले हैं। ये बेसिकली मार्केट है गारमेंट्स का और लाइफस्टाइल का, जो कि बहुत ही सस्ती रेट में आपको जेन्युइन रेट पे चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ओके दोस्तों, तो ये वो रोड है जो चाँदपुर चौराहे से जाता है मड़ुआडी की तरफ, मड़ुआडी मार्केट की तरफ, और ये सीधा चौराहे से आप चले जाएंगे, भदोही वाली रोड आती है, जॉइंट होती है, और एक जाती है रोहनिया की तरफ, एक जाता है लहरतारा की तरफ, बौलिया लहरतारा की तरफ, और एक रोड जाता है ये आपका मड़ुआडी की तरफ। तो हम लोग मड़ुआडी वाले रास्ते पर हैं और आज आप लोगों को दिखाएंगे मड़ुआडी मार्केट। दोस्तों, मड़ुआडी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां आपको कोई भी चीज़ लेनी हो वो सस्ती से सस्ती रेट पे आपको खुदरा दर में आपको यहां पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये मार्केट बहुत ही बड़ा है और बहुत ही पुराना मार्केट है। यहां पे हर एक चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी और एक जेन्युइन रेट पे, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ लेना है आप मड़ुआडी मार्केट जाके, खासकर कपड़े, जूते, चप्पल और ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे रेट पर, ठीक है। तो चलते हैं आज वहाँ पे, दिखाते हैं आप लोगों को। साथ में ही आप देखेंगे कि थोड़ी दूर आने के बाद, करीब 200 मीटर आने के बाद, आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे बड़ा ऑफिस मिल जाएगा, बनारस का हेड। थोड़ा सा और आप आगे आएंगे, करीब 50 मीटर के आसपास, तो आपको बाएं साइड में एक रोड जाता हुआ दिखेगा जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाता है। बेसिकली इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और यहाँ बनारस का, और बाएं तरफ जाके आपको यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बहुत सारे प्लांट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों बोर्ड में, चाँदपुर महेशपुर वाराणसी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में जब जाएंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ की सारी दीवारें जो हैं, छड़ दीवालियाँ जिसको कहते हैं, उन पे गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आप कह लो नगर निगम की तरफ से, उस पे बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं। उसके वॉल पे स्ट्रीट पेंटिंग जिसे कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मतलब अभी तो बन रहा है, अभी बन के पूरा तैयार नहीं हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने प्रयागराज में और बनारस की बहुत सारी फ्लाईओवर्स के वॉल पे देखा है, वैसे ही कुछ चित्रकारियाँ बनने वाली हैं। बिजी होने के साथ साथ रोड बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक भी लग जाता है। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं थाना मड़ुआडी वाराणसी, आपके राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, और ये सीधा रोड आपको चला जाएगा मड़ुआडी चौराहे की तरफ, मड़ुआडी मार्केट की तरफ। चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये है मड़ुआडी चौराहा। यहाँ से आप स्ट्रेट चले जाएंगे, आपको आगे एक पुल दिख रहा होगा जो कि मामूरगंज और मड़ुआडी को जोड़ता है। उसके पुल को क्रॉस करके जैसे ही आप आगे जाएंगे ना, आपको वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मड़ुआडी मार्केट। आप लोग देख पा रहे होंगे आपके राइट साइड में बहुत सारे गारमेंट्स के शॉप हैं, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं यहाँ पे। मतलब आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेंज मिल जाता है। आपको यहाँ पे ड्रेसेस लेने हो या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेनी हो या कुछ भी लेना हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख पा रहे होंगे। तो हालांकि ये अभी तो दिन स्टार्ट हो रहा है, समय हो रहा है करीब 11:30 बज रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मार्केटिंग की भीड़ बहुत कम है, लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, ये ओवरब्रिज है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए ये दूसरी तरफ जाता है, महमूरगंज को जोड़ता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे खादिंग वगैरह की भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शोरूम है। जैसे ही आप इस ओवरब्रिज पे चढ़ेंगे, आपको दाहिने साइड में मस्जिद देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत बड़ा है। साथ में आपको लेफ्ट साइड में ग्रीन हिल्स का स्कूल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो फ्लाईओवर है ना, ये फ्लाईओवर जो मड़ुआडी से रेलवे क्रॉसिंग आ रहा है, जो मड़ुआडी से रेलवे ट्रैक आ रहा है, उसको क्रॉस करता है। उसको क्रॉस करके, हालांकि इस ओवरब्रिज के पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था दोस्तों, क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से इसको बनाया गया था, इसको बजट में लाया गया था, और बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है।
साथ में ये जो है ये मड़ुआडी मार्केट को और ममूरगंज मार्केट को जोड़ता है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये देखिए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नंबर्स ऑफ रेलवे ट्रैक हो चुके थे जिसकी वजह से इसको बनाया गया है ताकि लोगों के मूवमेंट को और जो मार्केट है उसको क्रॉस करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ट्रैफिक ना लगे। साथ में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो आपके राइट साइड में जैसे ही आप पुल को क्रॉस कर रहे होंगे, जैसे ये एंडिंग की तरफ बढ़ेगा ना, आप देखेंगे आपके राइट साइड में ये रहा पासपोर्ट ऑफिस, जो कि पासपोर्ट आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, मैंने भी अपना पासपोर्ट यहीं से बनवाया है फिलहाल और बन के आ भी गया मेरा। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे आपको यहाँ पे TCS देखने को मिलेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी एक कंसल्टेंसी फर्म है दोस्तों। और ये आ गए हम लोग महमूरगंज इलाके में। दोस्तों महमूरगंज की तरफ से जैसे ही आप इस आरोपी पे चढ़ेंगे कट होगा आपका ओवरब्रिज, आप देखेंगे आपके दाहिने साइड में जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, TCS, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फर्म है दोस्तों कंसल्टेंसी के फील्ड में। उसके लेफ्ट साइड में आप जैसे ही देखेंगे आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस देखने को मिल जाएगा, एक बिल्डिंग है 2-3 मंजिले की, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस है और यहाँ से ही आपका पासपोर्ट बनता है। अगर आप इस क्षेत्र वाराणसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपको पासपोर्ट यहीं से बनवाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो ओवरब्रिज है क्या था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, आप देख पा रहे होंगे ये सब एंगल पे ही टिका हुआ है। और चलते हैं हम लोग मड़ुआडी मार्केट की तरफ वापस मुड़ के दिखा। ओवरब्रिज से उतरने के बाद चले जाते हो दूसरा मार्केट, मैं आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ जो फ्लाईओवर के नीचे है, और चलते हैं फ्लाईओवर के नीचे आपको दिखाते हैं। तो ये आ गए हम लोग फ्लाईओवर के नीचे से। फ्लाईओवर के नीचे जो है यहाँ पे मार्केट लगता है, लोकल मार्केट लगता है। दोस्तों सामने आप देख पा रहे होंगे सब्जी मार्केट है, फल मार्केट है। तो ये जो आगे ट्रेन जा रही है ना, ये क्रॉसिंग को क्रॉस करने की वजह से जो यहाँ ट्रैफिक लगता था, जो पब्लिक मूवमेंट होती थी उसकी वजह से जो ट्रैफिक लगता था, उस ट्रैफिक को रोकने के लिए और सुविधा ये दी गई है आरोपी वाली, ये ओवरब्रिज वाली, ताकि जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो कम हो जाए और लोगों को थोड़ी सुविधा मिल जाए क्रॉस करने के लिए, मड़ुआडी से महमूरगंज कनेक्ट करने के लिए। तो ये रहा वो मार्केट दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप लोग बहुत ही बड़ी मार्केट है ये। आपको यहाँ बैग वगैरह मतलब जो कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती होगी ना एक लाइफ में, लाइफ को जीने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, लॉक एंड की हो, पेंस वगैरह हो, या फिर टूरिज़म से रिलेटेड चीज़ें हो, मतलब एवरीथिंग आपको जो भी चाहिए होगा ना, यू कैन गेट एवरीथिंग हियर इन मड़ुआडी मार्केट। तो ये खादिम्स वगैरह का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शोरूम है। चलते हैं, पुल के नीचे भी मैंने दिखा दिया और ये भी रहा। यहाँ से दोस्तों आगे चौराहे से आप राइट साइड जाएंगे तो ये लहर तारा वाली रोड है, और अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये आपको ले जाएगा मड़ुआडी रेलवे स्टेशन की तरफ, और अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो ये चला जाएगा चाँदपुर चौराहे की तरफ, जिधर से हम लोग आए हैं अभी।